हेलो, एयरटेल के उपभोक्ताओं, मैं आज आपसे एयरटेल की सर्विसेज के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। जियो के आने के बाद इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं। वैसे तो ये सभी कंपनियां जो हैं टीवी वगैरह में बहुत लुभावनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन सर्विस के नाम पर बहुत बड़ा बिग ज़ीरो है। लेकिन पैसे कमाने के लिए ये क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक इंस्टेंस देखिए। मैंने 5 जुलाई को हमारे गांव में एक इनका एयरटेल का डीलर है, उनके पास जाकर के पता किया कि भैया मेरे इस नंबर पे कौन सी स्कीम चल रही है, बेहतर स्कीम, क्योंकि ये पूछने का वजह यह है कि मैं जब गांव में आता हूँ तो यहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं रहता और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करूँ। तो मेरे डीलर ने चेक करने के बाद में बताया कि साहब आपके इस नंबर पे 799 रुपये 799 का रिचार्ज आप करवाइए और आपको 84 दिन के लिए अनलिमिटेड टॉकिंग और 1 GB डाटा प्रतिदिन का दिया जाएगा। तो मैंने 5 जुलाई को 799 का रिचार्ज करवाया। कुछ दिन तो सही चला, हालांकि डेटा की प्रॉब्लम तो रहती ही है। गांव में इनका खुद का टावर होने के बावजूद भी और कई बार इनको मैसेजेस करके, फ़ोन करके या ईमेल करके कंप्लेन करने के बावजूद भी वही ढाक के 3 पात है। लेकिन फिर भी कुछ दिन तो ये सही चला। फिर मैं 20 तारीख को करीब 12 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेट चला गया। 30 तारीख के बाद में, 30 जुलाई के बाद में मैंने ये देखा कि मेरे पैसे कट रहे हैं। 30 और 31, 1 तारीख को मैं वापस आया। वापस आकर के मैंने उनको फ़ोन किया, एयरटेल वालों को, कि भैया मेरा 84 दिन के लिए ये स्कीम के तहत मैंने रिचार्ज करवाया था और पैसे कटने शुरू हो गए हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी बात कि 1 तारीख के बाद में तो मैंने ये देखा कि मैं जब डाटा यूज़ करता था तो डाटा का भी पैसा मेरे मेन बैलेंस में से कट रहा था। ये हुआ कि धड़ाधड़ पैसे कटते गए और मेरे पास सडनली मैसेज आया कि अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो आपको 30 रुपये का इमरजेंसी रिचार्ज करवाना पड़ेगा और उस इमरजेंसी रिचार्ज के लिए आपके अकाउंट से 36 रुपये काट दिए जाएंगे, भिखारी कहीं के। खैर साहब, मैंने उनको परमिशन दे दी कि आप 30 रुपये का रिचार्ज कीजिए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन कॉल करना बहुत आवश्यक था। उसके बाद में मैं मेरे डीलर के पास गया। मैंने कहा, भैया ये क्या हो क्या रहा है, ये इन्होंने पैसे काटने क्यों शुरू किए, डाटा का भी पैसे कट रहे हैं और मेरे फ़ोन कॉल के भी पैसे कट रहे हैं। उन्होंने बात की तो वहाँ से पता चला कि आपने आपको मतलब 1200 मिनट एक हफ्ते के लिए फ्री दिए गए थे, आपने वो लिमिट एक्सीड कर दिए। आज रात को 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा और कल से आपके पैसे कटने बंद हो जाएंगे। मैंने कहा, ऐसे तो कोई शर्त थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ घंटे की बात है, कल से फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से फिर देखा तो फिर वही नेट के पैसे कट रहे हैं। फिर मैंने 330 रुपये का मैंने रिचार्ज करवाया और 1-2 घंटे के अंदर ये बैलेंस रह गया सिर्फ 175 और समथिंग। मैंने फिर उनसे बात की, इनके
क्या सेंटर में कॉल सेंटर के अंदर जो भी आता है, पहली बात तो कि उनके पास में आपके बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है, हालांकि उनके पास में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ऊपर आपका नंबर जाता है, तो आपकी पूरी डिटेल उनके पास में होनी चाहिए। लेकिन हर बार हर व्यक्ति जो अलग 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 व्यक्ति आता है वो एक का एक प्रश्न पूछता है। कोई कहता है कि आपका ये 1200 मिनट का ही एक प्रॉब्लम था, कोई कहता है कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी, 799 रुपये की स्कीम 800 रुपये की थी। तीसरा और कहता है कि नहीं, आपको 84 दिन नहीं, आपको सिर्फ 28 दिन गए थे, दिन दिए गए थे। फिर मैं भाग करके डीलर के पास गया। डीलर ने मैंने तो फिर भी मतलब शांति से बात की उनसे, लेकिन डीलर तो यंग आदमी था, उसने तो अब मैं क्या कहूँ कि उनके एग्जीक्यूटिव से न कहने जैसी गालियों से बात की। और हुआ यही, तो उसने तो ये कहा कि देखिए भाई, ये भाई जो है, ये मैंने रिचार्ज करवा के दिया है और ये मेरे पास में पैसे मांग रहे हैं, मुझे उनसे 799 रुपये उनको वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, आप क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं देखिए, पैसा तो हम रिटर्न नहीं कर सकते। अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, नेट तो चलाना आवश्यक है क्योंकि मेरा सब भी मतलब नेट बैंकिंग से ही सब मेरा काम होता है कई महीनों से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दूसरी स्कीम उनसे पूछी कि भैया चलो क्या होता है, आई विल टेक अप द मैटर लेटर ऑन एंड दिस टाइम आई सेड आई विल डेफिनेटली मेक देम ओपन नेकेड थ्रू द सोशल मीडिया। मैंने इनको काफ़ी दिनों से कई ईमेल किए हैं इनकी सर्विसेज के बारे में। हमारे गांव के अंदर ये टावर होने के बावजूद भी हमें 2G मिलता है, 3G के पैसे एग्जॉर्बिटेंटली चार्ज करते हैं, उसके बावजूद भी सर्विस कभी कभी 2G मिलती है और बफरिंग होता रहता है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में मतलब उनके सामने लाई है, लेकिन वही वो कहते हैं कि देखिए साहब, आपका केस हमने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। काम करते करते उनको 2-3 साल हो गए। एनीवे मैंने साहब फिर दूसरा रिचार्ज करवाया, स्कीम पूछी तो बोले 300 समथिंग का, उन्होंने कहा आपको 84 दिन दिए जाएंगे और उसमें अनलिमिटेड टॉकिंग और 1 GB डाटा डेली। मैंने तुरंत आकर के पेटीएम के थ्रू मैंने ये रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करने के बाद में मेरे पास जो मैसेज आया, उस मैसेज के अंदर वो 84 दिन नहीं, 28 दिन ही लिखे हुए थे। मैं फिर भागा भागा गया वहाँ डीलर के पास, तो डीलर कहता नहीं साहब, ये तो ऐसे ऐसे ही लिख के आता है, लेकिन आपको 84 दिन दिए जाएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जब 84 दिन आप बोलते हो तो फिर 84 दिन का मैसेज क्यों नहीं भेजते, आप 28 दिन का मैसेज भेजते क्यों हो? एनीवे आई विल हैव टू सी वेदर दे रियली गिव मी 84 डेज और दिस टाइम ऑल्सो दे विल स्टॉप माई सर्विसेज आफ्टर 28 डेज। ये इन लोगों का पैसे कमाने का तरीका है। जब से जियो ने तहलका मचा दिया है, आई एम रियली टेलिंग यू, आई हैव बीन यूजिंग जियो व्हेन आई एम आउट ऑफ राजस्थान, व्हेन आई एम इन गुजरात एंड आई गो टू एनी अदर स्टेट, आई कीप मूविंग यू नो, एंड द बेस्ट सर्विस आई टेल यू जियो की है। अनफॉर्चुनेटली गांव के अंदर उनका नेटवर्क कम है जो मैंने टेकअप किया हुआ है। और मैं आज एक बात बता दूं कि इनके एयरटेल के जो एग्जीक्यूटिव्स या उनके जो कॉल सेंटर से लाइन पे आते हैं, वो हर बार पता नहीं कंप्यूटर उनके सामने होने के बावजूद भी एक का एक प्रश्न वो पूछते रहते हैं। जियो वाले जो हैं वो उनके सामने कंप्यूटर रहता है, दे हैव द होल हिस्ट्री। मैंने उनसे पूछा कि भैया मैंने टेकअप किया था, 3 महीने में आपने जवाब देने के लिए कहा था कि हम आपका ये नेटवर्क जो है वो इम्प्रूव करेंगे 3 महीने के बाद में, क्या हुआ? 3 महीने तो होने को आया। इमीडिएटली दैट लेडी टोल्ड मी दैट सर, आपने मई महीने में कंप्लेन की थी और अगस्त महीने की 26 तारीख को आपके 3 महीने कंप्लीट होंगे। इसी आई 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 रियली आई आई हैड टू कट अ सॉरी फिगर। मैंने उनको कहा आई एम सॉरी, मुझे तो ऐसा लगा कि 3 महीने हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। लेकिन एक बात है कि उनके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और ये एयरटेल वाले हर बार
कोई ना कोई कोई ना कोई नया नया प्रश्न पूछते रहते हैं। अब ये 1 GB डाटा तो ये रोज़ कहते हैं। अभी अभी मैंने एक टेथरिंग हॉटस्पॉट के थ्रू मैंने लैपटॉप में मैंने कनेक्शन लिया और मैंने एक मेल भेजा। वो मेल भेजते भेजते बफर होते होते कम से कम 15 मिनट लग गए। और ये 3G कनेक्शन है, 3G के मैं सॉरी 3G का मैं पैसा पे कर रहा हूँ। जब मैं मेरे एंड्रॉयड के अंदर चेक करता हूँ, कई बार आई टेल यू मोर देन 60-70% ऑफ द टाइम व्हाट आई गेट इज़ अ 2G। और 2G के अंदर आप जानते हो कि बफर होता ही रहता है। वैसे भी 2G से मुझे नफरत तो हो गई है। इस शब्द ये 2G जो है ना, जब मैं देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे वो 2G का घोटाला ही याद आता है। तो साहब, एयरटेल के उपभोक्ताओं, शायद आप लोग मेरी बात से एग्री होंगे, आप लोगों को भी ऐसी तकलीफें होती होगी, लेकिन आप लोग उसे, मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं भी कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये 799 रुपये जो है ना, चलो मैं तो ये समझूंगा कि भिखारियों को मैंने दान में दे दिया। ये इतनी बड़ी कंपनी है एयरटेल। मैंने अभी अभी कहीं पढ़ा था न्यूज़ के अंदर कि फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर जो 100 इनोवेटिव कंपनीज़ है उसमें एयरटेल का नाम है। बड़े खुश हुए होंगे ये। लेकिन साहब, इन लोगों की सर्विस, कॉल ड्रॉपिंग, रिक्वायर्ड जो नेटवर्क मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ये सारी आप देखें तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आप लोग भी देखिए और इफ़ पॉसिबल कंप्लेन करते रहिए, इन लोगों के ध्यान में लाइए। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं वैसे सर्विस प्रोवाइडर तो चेंज नहीं करूँगा। मैं बहुत ही सेंटिमेंट्स में आकर के, एक्चुअली मेरा ये नंबर जो है वोडाफोन का था, मुझे किसी ने कहा कि इंडिजीनियस अपने भारतीय सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन, मोबाइल और उनकी सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने, हालांकि वोडाफोन से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, एब्सोल्युटली आई टेल यू मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन उन सेंटिमेंट्स में आकर के मैंने उसे चेंज कर दिया और मैंने भारतीय एयरटेल में गया। पछता रहा हूँ आज, वास्तव में पछता रहा हूँ। और एयरटेल वाले अगर ये देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो मैं मेरा नंबर बता देता हूँ, 8094157066। मेहरबानी करके मुझे इस नंबर पे दोबारा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि एयरटेल का नाम सुनते ही मैं फ़ोन कट कर दूंगा। लेकिन आप मेरे इस नंबर से भेजे गए ईमेल्स चेक कीजिए, एंड इफ़ यू रियली वांट यू से समथिंग, सेंड मी, टेल मी थ्रू ईमेल। थैंक यू।